किसान फार्मिंग गोल्ड ट्रैक्टर। मगधा के गांव में लाल कहकर एक आदमी के पास 100 एकड़ का खेत था। वो बहुत अच्छा इंसान था, गांव वालों को हमेशा मदद करता रहता था। उसको पप्पू और सिप्पी कहकर 2 बेटे थे। उनमें से पप्पू बहुत लालची था, पिता का संपत्ति को हमेशा कैसे हड़पना है कहकर देखता रहता था। लेकिन सिप्पी तो हमेशा कुछ नया बात जानने के लिए सोचते हुए पुरातत्व के विभाग में फ्रीलांसर जैसा काम कर रहा था। एक दिन लाल से पप्पू, देखो बापू, मैं इतना मेहनत करके खेती बाड़ी कर रहा हूँ, लेकिन वो सिप्पी तो जंगल और पहाड़ में घूम रहा है और खोद रहा है, लेकिन कल संपत्ति में बराबर में देना है तो मैं नहीं देता हूँ। कहा तब लाल, पप्पू ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें खेती में नुकसान आया है कहकर हर साल पैसे भी नहीं दे रहे हो, लेकिन वो सिप्पी हर महीना उसका वेतन में मुझे तो आधा दे रहा है, जो भी हो संपत्ति तो बराबर में ही बंटवारा होना चाहिए। कहा तब पप्पू, मुझे पता है बापू तुम्हें वो नमूना कितना पसंद है, इसलिए मैं पहले से ही बहुत ध्यान से हूँ। इससे पहले तुमसे जो कागजातों पर मैंने हस्ताक्षर करवाया था उसमें संपत्ति का नकली कागजात भी रख दिया है मैंने, उसमें 98% का एकड़ मेरा और 2 तुम तीनों का है कहकर लिखा है। तब लाल, अरे वो नीच कही का, कितना घटिया काम किया है तुमने, खुद का बेटा है कहकर तुम पर विश्वास किया तो इतना विश्वास घातक बनते हो गद्दार। पप्पू, यस मैं तो गद्दार हूँ, अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसलिए तुम और माँ इस घर से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं खुद तुम लोगों को बाहर निकाल देता हूँ। कहकर चला गया। तब बेचारे वे कुछ नहीं कर पाकर उस घर से बाहर आ गए। बाद में लाल सिप्पी का दोस्त विष्णु से ये बात कहकर सिप्पी से कहने के लिए कहा। तब विष्णु सिप्पी को ढूंढते हुए जंगल में गया। उधर एक जगह पर सिप्पी लिलीपुट्स को खेती में मदद कर रहा था। उधर वे लिलीपुट्स इस्तेमाल करने वाले मिनी मोटर व्हीकल्स को देखकर विष्णु हैरान रह गया। उन सबको सिप्पी ने ही बनाया है कहकर सिप्पी का बहुत तारीफ भी किया। बाद में पप्पू का धोखा के बारे में सिप्पी को बताया। ये सुनकर सिप्पी उनका पिता के पास आया। बाद में उनका माँ पिता को एक अच्छा सा घर में बदल दिया। कुछ दिनों के बाद पिता से सिप्पी, बापू तुम बिल्कुल दुखी मत होना, मुझे 2 एकड़ का जमीन बस है, उसमें सोना उगा कर दिखाता हूँ, तुमको और माँ को अच्छे से देखभाल करता हूँ। कहा तब माँ, कुछ पता नहीं बेटा, तुम्हारे पिता तो चालाक है, लेकिन वो नमूना पप्पू ने तो हमको धोखा दिया है, तुम कैसे जियोगे पता नहीं, और क्या कर सकते हैं, हमारे नसीब में इतना तक ही है, सोचना पड़ेगा, बोली। बाद में सिप्पी उधर से चला गया। ऐसा कुछ दिन के बाद सिप्पी एक दिन ट्रैक्टर पर खेत का जुताई कर रहा था। तभी विष्णु उधर आया और खेत में सोना निकलते हुए देखा। वो देखकर विष्णु एकदम हैरान होकर सिप्पी से ये बात बताया। तब सिप्पी तुरंत ट्रैक्टर में से उतरकर देखा तो उस ट्रैक्टर का हल पर कुछ लिलीपुट्स बैठे हुए दिखाई दिए। ये देखकर सिप्पी चौंक गया। तब सिप्पी से लिलीपुट, क्यों दोस्त, हमें एक बात भी बताए बिना ही चले गए, तुम्हें इतना मुश्किल आया तो हमें ही भूल गए हो, ये देखो ये सब सोना तुम्हारा ही है, ले लो, और एक बम्पर ऑफर है, कितना खेत का जुताई करोगे उतना सोना निकलेगा। कहा तब सिप्पी, अरे ये तो तुम लोगों का काम है, अब से तुम्हारे हरकतों को सहना पड़ेगा। चलिए घर जाकर माँ का हाथों से बनाया खाना खाएंगे, कहकर उधर सोना को उठाकर उनको घर लेकर गए। बाद में सिप्पी और लिलीपुट जब घर में थे तब वहाँ कुछ देर के बाद पप्पू आया। तब पप्पू, क्यों रे सिप्पी, कहाँ है तुम्हारे लिलीपुट दोस्त, खेत का जुताई करके बहुत सोना मिला है कहकर सुना, उनको बुलाओ, मेरे खेत का भी जुताई करना है, नहीं तो उनको कुचाल देता हूँ। कहा तब उधर आया हुआ लिलीपुट, अरे बाप रे इतना काम मत करो, चाहिए तो तुम कैसे कहोगे वैसे ही करेंगे, लेकिन हमारा रिवाज के हिसाब से केवल 2 एकड़ खेत रहने वाले किसानों को ही हम मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम तो 98 एकड़ का जमींदार हो, फिर कैसे बताओ। कहा तब पप्पू, अगर खेत जोतने से सोना मिल रहा है तो वो 98 एकड़ किसको चाहिए, कल या परसों को मेरा सिप्पी का नाम पर लिख कर देता हूँ। कहा तब लिलीपुट, अरे वाह भैया तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारा तो सोना से भरना है और वो सिप्पी का तो केवल खेत ही रहना है, वही है ना तुम्हारा आइडिया, अरे वाह सुपर भैया, तुम्हारा तो चालाक बुद्धि है। कहा
तब पप्पू खुश होकर उधर से चला गया। अगले दिन पप्पू सिप्पी का 2 एकड़ लेकर बाकी का सारा खेत उसका नाम पर लिखकर दे दिया। उसके बाद पप्पू खेत में जाकर एक ट्रैक्टर से खेत का जुताई करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले सोना गिरा खेत में। अब पप्पू जुताई करने से सांप और बिच्छू निकलने लगे और वे सब पप्पू के ओर आते हुए देखकर पप्पू बाहर आया। तब एक लिलीपुट, सॉरी भैया, तुमसे एक बात कहना भूल गए हैं। सोना खेत में गिरना है तो अच्छा मन होना चाहिए। खुद का माँ पिता को घर से निकालने के लिए तुम्हें ये सांप और बिच्छू ही मिलेंगे। बाय बाय भैया, सी यू भैया, कहकर उधर से गायब हो गए। तब वो सांप और बिच्छू पप्पू के पीछे पड़ने के वजह से पप्पू वहां से डर के मारे भाग गया।